जो हरकत हुई वो सही मायने में किसाननी है। और मैं तो वो वीडियो देखा है, बेटी हमारी है वो, इस तरह की जो हरकत होती है उसके हम निंदा कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। और मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा, जो शराबी लोग थे वहाँ, एक सज्जन कह रहे थे कि तो शराब पी के एंजॉय के लिए आ रही, वो एंजॉय अपने घर में करें। 1000 आदमी गलत हो गया, पर लेकिन वो केवल अपना ड्रिंक करके आ रहा, अपना एंजॉय करने आ रहा। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। शामली में चक्का जाम चल रहा था किसान आंदोलन को लेकर, यहाँ पर गन्ने की पेमेंट को लेकर किसान पहुँचे थे, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों के भेस में कुछ दारूबाज लोग भी यहाँ पर पहुँचे। और आपने हमारे चैनल से एक वीडियो देखा अभी कुछ घंटे पहले का, जिसमें एक महिला पत्रकार और उसके साथ जो कैमरा पर्सन रही पिंकी, उन दोनों के साथ बड़ी बदतमीजी वहाँ पर की गई। और लोग वहाँ पर ये चीज़ मानते हुए नज़र आए कि हाँ, कुछ लोग ड्रिंक करके आए हैं और वो इन्जॉय करने आए हैं यहाँ पर, और तमाम अभद्र भाषाएँ यूज की गई। और वहाँ पर तमाम किसान नेता अंदर मौजूद थे। लोग जब हमारी पत्रकार ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, पूछना चाहा क्या समस्या है आप लोगों की, क्या नहीं है, तो वो बदतमीजी करने आ गए। और अभी मेरे साथ हैं डॉक्टर साहब जो प्रमुख हैं, यहाँ से ब्लॉक प्रमुख हैं, चाट नेता हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि वो क्या सोचते हैं। डॉक्टर साहब, जो ये सब हुई, एक हरकत हुई महिला पत्रकार के साथ, आप क्या मानते हैं? जो हरकत हुई वो सही मायने में किसाननी है। और मैं तो वो वीडियो देखा है, बेटी हमारी है वो, इस तरह की जो हरकत होती है उसके हम निंदा कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। और मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा, जो शराबी लोग थे वहाँ, एक सज्जन कह रहे थे कि तो शराब पी के एंजॉय के लिए आ रही, वो एंजॉय अपने घर में करें, वो दूसरी की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी माननी चाहिए, गलत है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं पूरे किसानों को बदनाम कर रहे हैं, जो इस तरह के लोग ऐसी पंचायतों में आ रहे हैं, ऐसी रैलियों में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये क्या पूरे किसान कौम को बदनाम करने का काम करते हैं? किसान कौम के लोग सही माने में किसान होते ही नहीं है। मैं भी एक किसान हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मेरा पेमेंट जल्दी आवे, मैं भी चाहता हूँ मुझे सुविधा मिले, लेकिन इनका एक लोकतांत्रिक तरीका है अपनी मांग रखने के लिए। मांग रखने का हमको अधिकार है, ये कोई तरीका नहीं कि आप रास्ता जाम कर दें, कोई बीमार मर जाए। आज अभी अभी मुझे पता चला कि कोई पेशेंट था, उसको रास्ते में दिया गया, उसने अपना दम तोड़ दिया, ये गलत है, इस पर सबको विचार करना चाहिए। मैं राकेश टिकैत जी से भी निवेदन करना चाहूँगा कि मांग रखनी जरूरी है। आप किसान नेता हैं, आप बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन ऐसे गुंडे यदि इस तरह आंदोलन में आएंगे तो आंदोलन की छवि बिगड़ेगी। और कहीं ना कहीं जब उन्होंने हरकत की, बदतमीजी की, हाथ से भी इशारे करते नज़र आए वो लोग, और उसके बाद वो नारे लगाने लग गए, जयंत चौधरी जिंदाबाद, RLD आई रे, RLD आई रे। क्या है ये किसान आंदोलन के भेस में लोकदल के लोग वहाँ पर थे? नहीं, किसान आंदोलन के भेस में कोई भी हो सकता है, ये आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है, और इसकी जांच हो तो सब सामने आ जाएगा कि ये लोकदल के लोग हैं या किसान लोग हैं। क्या लगता है, जांच होनी चाहिए इस प्रकरण की? इस प्रकरण की पूरी जांच होनी चाहिए और आगे ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, ये इंतजाम भी होना चाहिए। लगातार देखिएगा, जब किसान आंदोलन चला तो धरने हो रहे थे, 13 महीने धरना चला, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी मांगी और बिल वापस ले लिए, कह कर कि भैया हम किसानों का कोई नुकसान नहीं चाहते, किसानों की भलाई में ही सबकी भलाई है, ये कहकर बिल वापस ले। लेकिन उसके बाद से भी लगातार जब मन चाहा कभी भी कहीं भी धरना हो जाता है, चक्का जाम हो जाता है, कितना सही है ये सब? नहीं, चक्का जाम तो 100% गलत है, लेकिन इसका मैं भी पक्षधर हूँ कि जो गन्ने का पेमेंट रुका हुआ है वो किसान का पेमेंट होना चाहिए। किसान बहुत दुखी है, करीब 400 करोड़ भुगतान जो है वो अभी गन्ने का बकाया है, तो उसका इंतजाम होना चाहिए। बिल्कुल, ये चीज़ हम भी मानते हैं, किसानों का जो पेमेंट है वो टाइम से मिलना चाहिए, उनके भी बच्चे हैं, पढ़ाई करते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, उनको भी टाइम से सारी चीज़ें मिले। लेकिन जो लगातार इस तरह बदतमीजियाँ सामने आती हैं, ये बहुत गलत है। ये प्रशासन को भी इस पर मुस्तैद रहना चाहिए कि आंदोलन के भेस में कुछ लोग माहौल ख़राब करने का काम करते हैं, उनकी जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, ये देखिएगा, हमारे साथ ब्लॉक प्रमुख यहाँ पर डॉक्टर साहब थे, और इन्होंने मांग की है कि जो ऐसे लोग वहाँ पर पहुँचे उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी जाँच करनी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही, मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।